नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार टॉप 10। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। ममता बनर्जी हुई चोटिल, दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर में चढ़ने के दौरान हुआ हादसा, फिसलकर गिरी। ईडी के चारों गवाहों का संबंध बीजेपी से, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल ने दिया जवाब, किया गुजराती में लिखी डायरी का जिक्र। यूं ही अखिलेश ने भतीजे तेज प्रताप यादव का नहीं काटा टिकट, इसके पीछे 50 दिन की सोची समझी चाल। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर टायर फटने से चलती बस में लगी आग, 35 यात्री थे सवार, सभी सुरक्षित निकाले गए। एमपी के बुरहानपुर में 50 फीट गहरी खाई में गिरी अनियंत्रित बस, 12 यात्री घायल, इंदौर से अकोला जा रही थी बस। दाव पर मुख्यमंत्री मान और पूर्व सीएम चन्नी की साख, साल 2022 के बाद फिर दिखेगी कांटे की टक्कर। किसानों का धरना 11वें दिन भी जारी, 80 किलोमीटर ट्रेन यात्रा 7 घंटे में, जिम्मेदार कौन? प्रशांत भूषण बोले, सरकार ने चंदा लेकर घातक दवाएं चलने दी, बीजेपी को करप्ट कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, सीबीआई ईडी के दुरुपयोग की आशंका। चंबल पर कांग्रेस का फोकस, राहुल प्रियंका करेंगे प्रचार, राम निवास रावत और डॉक्टर गोविंद सिंह को साथ लेकर जनसभा करेंगे पीसीसी चीफ जीतू। लापता होने से पहले ऐसी थी गुरुचरण सिंह की कंडीशन, तारक मेहता के सोड़ी ने दोस्त को भेजा था मैसेज। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार। अपने सपनों का घर बना रहे हैं, एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सुहागी बाईपास।